हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं व्लॉग शूट करने वाली हूँ, मतलब कि आप लोग सोच रहे होंगे कहीं है जाने वाली होगी इसलिए व्लॉग बना रही है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आज कहीं नहीं जाने वाली हूँ और मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा डेली रूटीन वाला वीडियोस बना दूँ। मतलब रूटीन का नहीं, जो मैं आज करने वाली हूँ, जो मैं आज खाने वाली हूँ, मैं आप लोग से वो शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे व्लॉग में आज आप लोग बने रहिए और चलिए देखते हैं। अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो गाइस, खाना खाने से पहले मैं अभी का आप लोग को व्यूज़ दिखा देती हूँ। इतना धूप है यहाँ पर कि आज कहीं बाहर जाने का मूड भी नहीं है। कोई प्लान भी अगर हम लोग बनाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। और ये जो आप सामने का दुकान देख सकते हैं, वो एकदम 12 बजते बंद हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से कुछ ऐसा लाना होता है तो यहीं से हम लोग खरीदते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो दुकान है यहीं पे हम लोग सारा सामान यहीं से, कुछ छोटा मोटा बच्चे लोग का सामान यहीं से खरीदते हैं। और अभी अनाया आई नहीं है स्कूल से, क्योंकि अनाया स्कूल गई हुई है और अभी टाइम भी नहीं हुआ है आने का उसका। तो मैं सोच रही हूँ जो मैंने बनाया है वही खाऊं कि कुछ और। नहीं 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 ठीक है, मैं वही खाऊंगी जो मैंने बनाया है। तो गाइज़, मैंने सोचा कि जब मैं खाने बैठूंगी मुझे 1 घंटा लग जाएगा खाने में, तो मैंने सोचा कि अभी चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाने बैठूंगी शांति से। तो आप यहाँ देख, तो गाइज अभी मैं चावल चढ़ाने जा रही हूँ, तो इसीलिए हम लोग पानी यहाँ से ले ले रहे हैं। गाइज जब ब्रेकफास्ट बन जाता है तो उसके बाद खाने का किसको किसको टेंशन होता है मुझे मालूम है। जितनी भी हाउसवाइफ होंगी उनको टेंशन होता है खाने का, क्योंकि लोग जैसे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद लंच का टेंशन होने लगता है। तो आज टेंशन मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है आज क्या बनने वाला है। आज चिकन बनाने वाली हूँ मैं। तो रेसिपी आप लोग के लिए मैंने पहले से ही इस चैनल पर डाल के रखा है, अगर जिसको भी रेसिपी चाहिए वो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा कर के वो चिकन का रेसिपी आप लोग देख करके बना सकते हैं। बहुत सारे चिकन का मतलब जो तरीका होता है मैंने बताया है उसमें। तो मैं अभी कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ, बस मैं दिखा दूँगी कि हाँ मैं चिकन बना रही हूँ। तो गाइज़, जैसा कि अभी मेरा चिकन बनाने का कंप्लीट हो चुका है, मतलब दोपहर का लंच जैसे ही बना वैसे ही मेरे लिए फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आ चुका था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसका पैकिंग तो ऊपर से अच्छा है लेकिन अंदर से इसका पैकिंग अच्छा नहीं है। मतलब ऐसे ही प्लास्टिक में डाल के दे दिया इतना सुंदर सा पार्सल को। और इसके अंदर जो है मैं वो आप लोग को बता देती हूँ, इसके अंदर क्या है, मतलब एक इतना सुंदर सा ब्लाउज़ आया है फ्लिपकार्ट से कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। आप लोग को मैं डायरेक्ट दिखा दूंगी, क्योंकि ये ना अभी बहुत ट्रेंडिंग चला है। मैं इसे इसलिए खरीदी हूँ क्योंकि मेरे पास एक ब्लैक कलर का साड़ी है
और ब्लाउज उसका बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे ब्लाउज इसका बहुत अच्छा चाहिए था, जैसा मैंने सोचा था एकदम मुझे वैसा ही मिला। और मैं चाहती थी कि मैं इस तरीके का इस बार फुल स्लीव्स का मैं ब्लाउज परचेज करूं, और ये इतना सुंदर दिखने में है ना गाइस, कि आप लोग भी इसे परचेज कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, सो आप लोग भी इसे खरीद सकते हैं। ये जॉर्जेट कपड़ा में आया है, तो आप लोग इसे खरीद सकते हैं या फिर आप लोग सिलवा भी सकते हैं कपड़ा लेकर के। तो मैं इसे डायरेक्ट ऑनलाइन परचेस कर लिया, क्योंकि इतना सिलाने का झंझट कौन ये पालने वाला है, तो इसीलिए डायरेक्ट जो अपने फ्री साइज से ये देता है, साइज फ्री रहता है, तो आप लोग खरीद के इसे साइड से इसे फिट करवा सकते हैं गाइस। तो इसीलिए मैंने ये आप लोग को मैंने दिखा दिया, क्योंकि मैंने आप लोग से पहले भी कहा था कि मैं जो भी चीज़ें रहेगा मेरे लाइफ का मैं आप लोग से शेयर ज़रूर करूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थंबनेल का स्क्रीनशॉट लिया है, और आप लोग को भी कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आप लोग शायद आप लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने इसे पहले रिव्यू लिया था, मैंने मतलब कि रिव्यू मैंने देखा एंड उसके बाद ही मैंने सोचा कि चलो इस बार खरीद ही लेती हूँ। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।